हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आ गए एक नई डिज़ाइन के साथ। और देखिए इतनी खूबसूरत डिज़ाइन हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेइंग मशीन हमने स्टार्ट कर दी है और उस पर रख दिया है बॉल, और उसे अब हम टेयर कर लेंगे। और 180 ग्राम ऑफ चॉकलेट प्रीमिक्स यहाँ हम ले रहे हैं, क्योंकि ये हाफ़ के जी का केक हम बना रहे हैं, और हाफ़ के जी के केक के लिए हमेशा प्रीमिक्स 180 ग्राम हम लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 100 ml ऑफ वाटर एंड 1.5 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, एनी एडिबल ऑयल जो ऑर्डर लेस है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विस्कर के हेल्प से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे करीबन 3 से 4 मिनट। मोल्ड को हमने पहले से ही ग्रीस करके रखा था और डस्टिंग करके रखा था, उसमें हम ये बनाया हुआ बैटर डाल देंगे और टैप टैप 2 से 3 बार करके इसे 180 डिग्री प्री हीट ओवन में 30 मिनट के लिए हम रख देंगे। अब ये हमारा स्पॉन्ज बिल्कुल रेडी हो गया है बहुत अच्छे से। थोड़ा सा डोम ऊपर था, वो मैंने चाकू से काट लिया है। और अब लेयर कटिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। चाकू की हेल्प से हल्का सा मार्क हम पहले बना लेंगे। 3 लेयर चाहिए है तो 2 मार्क हमें बनाने पड़ेंगे। अब ये मार्क जब बन जाएंगे उसके बाद हम धागे के हेल्प से लेयर कट कर लेंगे। तो बिल्कुल प्रॉपर लेयर कट होता है और कोई डिस्टर्बेंस लेयर में नहीं होती है और ना कम ज़्यादा लेयर कटिंग होती है। ये बेस्ट वे है लेयर कट करने का। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेकिंग से और कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं चैनल पे अपलोड करते रहती हूँ। स्पेशली बहुत अच्छे अच्छे यूनिक डिज़ाइंस जो केक में हैं वो हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी लेयर कट होके तैयार है और देखिए कितनी परफेक्ट और जाली वाला स्पॉन्ज हमारा रेडी हो गया है और लेयर भी बिल्कुल फिनिश्ड कट हुई है। अब केक बोर्ड पे थोड़ी सी क्रीम लगा के, और हाँ क्रीम हमेशा पाइपिंग बैग से ही अप्लाई करिएगा। मैं हमेशा ये चीज़ आप सबको बताती हूँ अगर आप बिगिनर्स हो तो। अब मैंने एक लेयर उस पर रख दी है और उसे पानी से सोक कर लिया है चिल्ड वाटर से, और क्रीम को अप्लाई कर दिया है। पैलेट नाइफ को हमेशा वाटर में डिप करके ही बाद में क्रीम को जो है आप फैलाए, स्प्रेड करें। अब मैंने यहाँ क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और साइड से भी उसको फिनिश कर दिया है। अब चॉकलेट सिरप थोड़ा सा उसके ऊपर डाल के उसको फिर से पैलेट नाइफ से मैंने स्प्रेड कर दिया है। यहाँ अब जो ऊपर वाली लेयर थी उसको अपसाइड डाउन मतलब उल्टा करके हम दूसरी लेयर लगाएंगे और उसे भी चिल्ड वाटर से सोक कर लेंगे। अपसाइड डाउन रखने से केक की जो साइज़ है वो मेंटेन रहती है, ऊपर नीचे नहीं दिखती है, बिल्कुल प्लेन हमारा सरफेस दिखता है। अब चिल्ड वाटर से यहाँ मैंने सोक कर लिया है। अब वही सेम पाइपिंग बैग से क्रीम अप्लाई करेंगे, फिर पैलेट नाइफ से उसे स्प्रेड कर देंगे, फिर से चॉकलेट सिरप डालेंगे। जो भी फिलिंग आपको देनी हो चॉकलेट से रिलेटेड, या तो गनाश, या तो सिरप, या तो स्पेनिश डिलाइट केक एक जो है उसकी फिलिंग बहुत प्यारी है, वो मेरी चैनल पे अपलोड है वीडियो, आप ज़रूर देखिएगा। डॉल केक वीडियो है, उसमें स्पेनिश डिलाइट का फिलिंग मैंने दिया हुआ है। इस केक में जो फिलिंग है वो बिल्कुल सिंपल है, मतलब हर्षी सिरप का जो चॉकलेट सिरप है वही मैं इस पर स्प्रेड कर रही हूँ। इसमें कोई दूसरा फ्लेवर नहीं है, बस अब ये मैंने पैलेट नाइफ से स्प्रेड कर दिया। और अब हम रखेंगे तीसरी लेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी दूसरी लेयर भी तैयार हो गई है। अब हम रखेंगे तीसरी लेयर। परफेक्टली बिल्कुल तीसरी लेयर रख दी है और चिल्ड वाटर से यहाँ हमने सोक कर दिया है। अब इसे भी पाइपिंग बैग की ही हेल्प से हम क्रीम अप्लाई करेंगे। हमें अब क्रम कोटिंग करनी है। क्रम कोटिंग के लिए बिल्कुल थोड़ी सी ही क्रीम यूज करना चाहिए।
और जितने भी क्रम्स निकले हैं लेयर के, उतने ये थोड़ी क्रीम में बिल्कुल कोट हो जाने चाहिए। इसके बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, जिससे ये क्रम कोटिंग पूरी तरह से सेट हो जाएगी और हमारी फिनिशिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। 15 मिनट अच्छे से फ्रीज़र में सेट करने के बाद अब हम फिनिशिंग टच इस केक को देने वाले हैं। तो मैंने सबसे पहले क्रीम केक पे अप्लाई कर दी है और पैलेट नाइफ से इसको स्प्रेड कर दिया है। फिनिशिंग देते वक्त हमेशा पैलेट नाइफ या स्क्रैपर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसको पानी में डिप करते जाइए और फिर केक पे स्प्रेड करते जाइए। उससे क्या है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत प्लेन हमारा क्रीम जो है इजीली स्प्रेड होता है और जो भी एक्स्ट्रा क्रीम निकलते जाती है वो आप एक बोल में ट्रांसफ़र करते जाइए। यहाँ मैं स्क्रैपर की हेल्प से अब फिनिशिंग दे रही हूँ। स्क्रैपर भी मैंने पानी में डुबो के ही लिया है और इसे साइड से और अपर एजेस एंड साइड एजेस अब मैं बहुत अच्छे से फिनिश कर रही हूँ। अब मैंने एक कार्ड ले लिया है, चाहे तो एटीएम कार्ड जो पुराना हो गया है या कोई शॉपिंग कार्ड, या मैंने यहाँ क्लॉथिंग टैग यूज़ किया है जो प्लास्टिक से बना हुआ है और बहुत सुंदर इससे फिनिशिंग आती है। फाइनल टच जो है बिल्कुल हल्के हाथ से देना है, पानी में डिप करते जाना है कार्ड को और बिल्कुल हल्के हाथ से एक्स्ट्रा क्रीम निकालते जाने हैं। ज़्यादा अगर फोर्सफुली अप्लाई किया तो नीचे का जो बेस है वो दिखने लग जाएगा और उससे केक ख़राब दिख सकता है। अभी हमारा केक तैयार हो गया है, इसे साइड में रख देंगे। एक कटोरी में थोड़ा सा क्रीम लिया है, उसमें 1 ड्रॉप ऑफ ब्लैक कलर लिया है और पैलेट नाइफ से डिज़ाइन देना स्टार्ट कर दिया। पैलेट नाइफ में थोड़ा सा क्रीम लीजिए और बिल्कुल जैसे कि पेंटिंग का ब्रश हम ऊपर सरकाते हैं उस हिसाब से पैलेट नाइफ को हल्के हाथ से ऊपर कर देना है। एक सिंपल ड्रॉप नोजल से बॉर्डर डिज़ाइन हम कर दे देंगे। बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉप यहाँ मैंने दे दिए हैं, वैसे ही ड्रॉप मैंने ऊपर भी लगा दिए हैं और इसके ऊपर स्प्रेड कर दिए हैं थोड़े स्प्रिंकल्स। और देखिए इसका लुक ग्रे और वाइट कलर में इसका लुक इतना सुंदर दिखता है। और मोस्टली ये केक जो है वो मेंस या बॉयज़ के लिए बनाई जाती है। ये डिज़ाइन हमेशा मेंस और बॉयज़ के लिए इतना डिज़ाइन का प्रॉब्लम होम बेकर्स को आता है। सो कैसा लगा आप बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड।